नमस्ते दोस्तों, मम्मी पापा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो है अरबी की सब्जी। ये हमारी अरबी आधा किलो अरबी को हम अच्छे से छील के धो के और नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। और ये हमने मसाले के लिए लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर और 1 लहसुन। ये हमारा जो हमारी अरबी की ग्रेवी है ये उसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अरबी को छील के धो के और नमक लगा के रखते हैं। ये देखिए हमने छील के अरबी काट ली है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिर जो इसमें रेशे से होते हैं वो सब अच्छे से निकल जाएंगे, नहीं तो हाथों में खुजली होने लगती है। जब इसको धोएंगे, हाँ जी हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए और अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल जैसे ही हमारा पक जाएगा तो इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। तेल हमारा पक चुका है, देखो धुआं भी निकल रहा है। इसमें हमने एक तेज पत्ता और एक दालचीनी का डालेंगे और 1 चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे। इसको थोड़ा पकने देंगे और ये हमने अरबी धो ली है जो हमने नमक लगा के रखी थी, अब इसको भी इसमें डाल देंगे। पहले अच्छे से कर लेंगे, थोड़ी ब्राउनिश में लेके आएंगे इसको। ये देखिए अरबी हमारी अच्छे से तल चुकी है, बिल्कुल। अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सारी अरबी हमने निकाल दी है प्लेट में। अब इसमें जो हमने प्याज काट के रखी थी ये डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से प्याज हमारी पक रही है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे अच्छे से। कई तो लोग इसको पीस के बनाते हैं मसाले को, पर हम एक बीज काट के प्याज को वो डालते हैं, कई प्याज पीस के डालते हैं। हर चीज़ सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, हम अपने तरीके से बना रहे हैं अरबी। और तो आप हमारे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। प्याज भून चुकी है, इसमें जो हमने लहसुन कूट के रखा था वो भी डाल देंगे और उसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा कच्चा थन निकल रहा है इसका, अब प्याज हमारी और लहसुन हमारा भून चुका है। अब इसमें हमने जो टमाटर पीस के रखे थे वो डाल देंगे। देखिए हम टमाटर भी पक चुके हैं, अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। एक चम्मच के करीब लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, धनिया, एक चम्मच नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमने 3-4
हरी मिर्च लिए ये भी साथ में डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पकाएंगे। अब एक प्लेट से इसको कवर कर देंगे, गैस को स्लो कर देंगे। मसाला भून चुका है हमारा, तेल ऊपर आ गया। इस तेल को जो हमने अभी कर ली थी वो डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस तेल को हम पानी डालेंगे। इतनी ग्रेवी चाहिए कम से कम सब्जी के लिए, तो इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे जिससे अरबी पकने में थोड़ा टाइम लेगी। अच्छे से मिक्स करके इसको हम एक प्लेट से कवर कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखो सब्जी हमारी बनने की ग्रेवी है, बस थोड़ी सी कम सर बाकी है अरबी में। अभी इसी स्टेज पर हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें 5 मिनट और लगेंगे, एक बार तो मैंने बीच में देख लिया था कि कच्ची थी, तब अब सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। अब इसको पकने देते हैं हम, स्लो गैस पे पकाएंगे और इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हमारी सब्जी। ये देखिए गल चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। ओके, आपको ये सब्जी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। अभी ये पक रही है सब्जी हमारी, अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर दी है और अब इसको हम कवर कर देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर आपको सब्जी दिखाते हैं कैसी बनी। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है बिल्कुल। अभी इसमें हमने एक नींबू निचोड़ना है थोड़ा खट्टापन लाने के लिए, वो भी इसमें अभी हम नींबू एक डालते हैं।